वर्तमान समय में हमारे पास ऐसे तमाम संसाधन मौजूद हैं जिनसे हम कक्षा के भीतर बैठे बैठे ही बच्चों को उत्तरी ध्रुव की सैर पर ले जा सकते हैं, ब्रह्मांड और अंतरिक्ष में घूमते हुए ग्रहों से उनकी दोस्ती करा सकते हैं, ऐसे जीव जंतु की बोलियां और आवाज सुना सकते हैं जिन्हें सुन पाना शायद किसी प्रशिक्षित वन्यजीव कर्मी के लिए भी सरल नहीं होगा। सोचिए बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होगी जब आप अपनी कक्षा में उनके बीच किसी 3D ऐप की मदद से एक डायनासोर लाकर खड़ा कर दें। तो आप सोच रहे होंगे भला ये कैसे संभव है, तो आइए आपको बताते हैं। आज का युग तकनीक का युग है, विशेषकर सूचना और संचार तकनीक ने हमारे जीवन के लगभग हर पहलू पर अपना प्रभाव डाला है और वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में हम ICT का प्रयोग करके अपने शिक्षण को रोचक, प्रभावी, सरल और बच्चों के लिए आनंददायक बना सकते हैं। इसे लर्निंग आउटकम प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण मानते हुए शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका में भी उल्लिखित किया गया है। ICT के महत्व को देखते हुए विभिन्न स्तरों पर शासन के द्वारा यथा संभव अधिकांश विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित किए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं और अनेक विद्यालयों में तो शिक्षकों के स्वयं के प्रयासों के द्वारा इसका सफल क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। वर्तमान समय में हम मोबाइल, इंटरनेट, टैबलेट, लैपटॉप, TV, रेडियो जैसे संसाधनों के प्रयोग से शिक्षण को बाल केंद्रित बना सकते हैं। विद्यालय में प्रयुक्त किए जाने वाले ICT उपकरणों को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला है श्रव्य सामग्री। इसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, मोबाइल द्वारा सुनाई जा सकने वाली ऑडियो, कविताएं, गीत इत्यादि आते हैं। इसमें रेडियो जनसंचार का प्रभावी और महत्वपूर्ण माध्यम है। आज भी दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जहां इंटरनेट और डिश की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां सूचनाओं के प्रचार प्रसार में रेडियो महती भूमिका निभा रहे हैं। रेडियो पर मीना की दुनिया, आओ अंग्रेजी सीखें जैसे शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ साथ जन समुदाय की जागरूकता हेतु जन पहल जैसे कार्यक्रमों का संचालन भी विभाग की तरफ से किया जाता है। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से बच्चों को गीत, कविताएं, कहानियां इत्यादि सुनाई जाती हैं, जिनसे बच्चों में लय और ताल की समझ विकसित होती है, जिससे सीखने की प्रक्रिया रुचिकर हो जाती है। आइए देखते हैं कि प्रार्थना स्थल पर बच्चे ICT उपकरणों की सहायता से कितने सुरीले अंदाज में दिन की शुरुआत कर रहे हैं। इनकी सहायता से शिक्षकों का काम भी सरल हो जाता है। जबकि दूसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री। इसके अंतर्गत मोबाइल, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्मार्ट TV इत्यादि आते हैं। इन सामग्रियों से शिक्षण अन्य विधियों की तुलना में अधिक असरकारक और प्रभावी होता है, क्योंकि इन्हें देखते और सुनते समय बच्चों की दोनों इंद्रियां सक्रिय होती हैं। देखी और सुनी गई चीजों को बच्चे अधिक समय तक याद रख सकते हैं और विषय वस्तु उनके मस्तिष्क पटल पर लंबे समय तक के लिए अंकित रहती है। निश्चित ही ऐसी रोचक कक्षा के लिए बच्चों को आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा। ICT कक्षाओं में प्रोजेक्टर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके महत्व को समझते हुए बहुत से शिक्षकों ने स्वयं पहल करते हुए अपने विद्यालयों में प्रोजेक्टर की व्यवस्था की है। इसके साथ ही कुछ शिक्षक साथियों ने भी जन समुदाय के सहयोग से अपने विद्यालयों में ये व्यवस्था लागू की है। आइए देखते हैं कि इस कक्षा में शिक्षक किस प्रकार प्रोजेक्टर की सहायता से बच्चों में विषय वस्तु की समझ विकसित कर रहे हैं। इस प्रकार आपने देखा कि ऐसे संसाधनों का प्रयोग करने से बच्चे वस्तुओं तथा शब्दों से सरलता से जुड़ पाते हैं, साथ ही समय की भी बचत होती है। इसके अतिरिक्त लैपटॉप, स्मार्ट TV इत्यादि भी श्रव्य दृश्य सामग्री के कुछ महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जिनका प्रयोग करके कक्षा शिक्षण तथा शैक्षिक गतिविधियों को रुचिकर और आनंदपूर्ण बनाया जा सकता है। एक बटा चार बटा दस। आप देखिए
लिया। यस मैम। काट के यहाँ से हमने इसको यहाँ प्लेस कर दिया। कक्षा शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग करने के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। आइए उन पर भी नजर डालते हैं। बच्चों में शिक्षण के प्रति रुचि जागृत करना, विषय वस्तु का रोचक ढंग से प्रस्तुतीकरण करना, बच्चों की सीखने की गति में सुधार करना, बच्चों की क्रियाशीलता, कल्पनाशीलता और निरीक्षण शक्ति का विकास करना, जटिल विषयों को भी सरल ढंग से प्रस्तुत करना, अमूर्त विचारों और तथ्यों को मूर्त रूप में प्रस्तुत करना, बच्चों का अधिगम स्थायी और सुदृढ़ करना। शिक्षण कार्य के अलावा विद्यालय में ऐसे कई अन्य क्षेत्र भी होते हैं जिनमें सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग करके हम अपने काम को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वे कौन कौन से क्षेत्र हैं। पहला है बच्चों का व्यवहार परिवर्तन, दूसरा कौशल विकास, तीसरा है विद्यालय के प्रबंधन और सूचनाओं के एकत्रीकरण में सुगमता, शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने हेतु दीक्षा ऐप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन प्रशिक्षण संचालित किए जा रहे हैं और आईसीटी की सहायता से हमारी पाठ्यपुस्तकों को भी समृद्ध करने का प्रयास किया गया है। पाठ के सम्मुख एक QR कोड दिया गया है जिसे स्कैन करके हम दीक्षा ऐप के माध्यम से बच्चों को शैक्षणिक वीडियो दिखा सकते हैं। और अंतिम है विभिन्न प्रकार की सहशैक्षिक गतिविधियों के संचालन में भी आईसीटी टूल्स बहुत सहायक होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चे किस प्रकार आईसीटी की मदद से एक नाटक का रिहर्सल कर रहे हैं। निश्चित ही परंपरागत तरीकों की अपेक्षा ऐसे प्रयोगों से बच्चों को सिखाना सरल हो जाता है। इसमें हम शिक्षकों की क्या भूमिका है, आइए इस पक्ष को भी जानते हैं। हमें विभिन्न आईसीटी टूल्स, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और उनके प्रभाव तथा उपयोग के बारे में भी खुद को अपडेट रखना होगा ताकि हमारे लिए परिशुद्धता के साथ तीव्र गति से काम करना आसान हो सके। कई स्वप्रेरित शिक्षकों के द्वारा सोशल मीडिया पर भी विभिन्न विषयों से संबंधित शैक्षणिक वीडियोस, इनोवेशन, TLM, पाठ योजना आदि भी साझा किए गए हैं जिनसे हम निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं। यदि हम कक्षा कक्ष में आईसीटी का प्रयोग करने जा रहे हों तो हमें आईसीटी का प्रयोग करने से पूर्व कुछ विशेष ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जो कंटेंट हम बच्चों को दिखाने या सुनाने जा रहे हों उसे एक बार स्वयं जरूर देखना और सुनना चाहिए जिससे अनचाही चीजें बच्चों तक ना पहुंचे। जानकारियां रुचिकर होने के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी होनी चाहिए। जिस स्थल पर हम आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं वहां का वातावरण शांत हो और व्यवधान रहित हो। इस प्रकार आईसीटी का प्रयोग करके हम अपने कक्षा शिक्षण को रचनात्मक, प्रासंगिक और प्रभावी बना सकते हैं और इसके अलावा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव कर सकते हैं।
साथ ही विद्यालय के सूचना प्रबंधन और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन का वाहक भी बन सकते हैं। कक्षा शिक्षण में ICT तकनीकियों का प्रयोग करना विषय वस्तु के पूरक के रूप में किया जाना उचित है, न कि विकल्प के रूप में। हमें अपनी दैनिक शिक्षण योजना तथा शैक्षिक गतिविधियों की योजना बनाते समय ICT के प्रयोग को अवश्य स्थान देना चाहिए। इससे बच्चों और हमारे बीच एक सकारात्मक संबंध का निर्माण होता है।